आ गया है पेपर, देखो आ गया है पेपर। चिंता करने की अब बात नहीं, आ जाओ, अब मैं तुमको एक स्ट्रेटेजी बता दूंगा बायोलॉजी के पेपर में, बायोलॉजी के पेपर में। अरे बायोलॉजी के पेपर में 70 out of 70 लाना कैसे है, आ जाओ सिखा दूंगा, आ जाओ सिखा दूंगा। चलिए देखते हैं बायोलॉजी का पेपर जो होने वाला है, इसमें कैसे आप जो है 70 out of 70 लाओगे, आ जाओ बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं, आ जाइए। तो पहले देखते हैं कि वेटेज क्या क्या है। 98 मार्क्स का विट ऑप्शन के साथ आएगा बायोलॉजी का पेपर, आएगा बायोलॉजी का पेपर। नॉलेज बेस 30% मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस 42% के, एप्लीकेशन एंड स्किल बेस 28 मार्क्स के हो गए 100 मार्क्स परसेंटेज। वेटेज कैसा रहेगा, कितने वेटेज के, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अरे पूछे जाएंगे इजी लेवल के 29 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर एवरेज लेवल 49 मार्क्स के, डिफिकल्ट लेवल 20 मार्क्स के, तो 98 मार्क्स का पेपर हो गया। अभी अरे अभी बोलेंगे कई सारे स्टूडेंट, अरे अभी बोलेंगे कई सारे स्टूडेंट हमारा तो पेपर 70 मार्क्स का होने वाला है, लेकिन तुम तो हमको जो है 98 मार्क्स का पेपर बता रहे हो। अरे भाई लोग ऐसा नहीं है, 98 मार्क्स का ही पेपर होगा। कहने का मतलब है 98 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ 70 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है, ऑप्शन के साथ आता है, आपको तो पता ही होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए अब देखते हैं वेटेज, चलिए अब देखते हैं वेटेज। एमसीक्यू कितने मार्क्स का आएगा, अरे 10 मार्क्स का आएगा। अरे आपका प्रीलियम हुआ होगा, आपको पता है, आपको पता है, जिनको नहीं पता तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। दूसरा है वेरी शॉर्ट आंसर, 1 मार्क्स का एक रहेगा, 8 पूछे जाएंगे, 8 आपको अटेम्प्ट करना है। शॉर्ट आंसर में जो है 2 2 मार्क्स के रहेंगे, जो है इसमें से आपको जो है 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 24 मार्क्स हो गए। फिर शॉर्ट आंसर टू जो है पार्ट, इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको जो है यहाँ पर 36 मार्क्स का जो है यहाँ पर पूरा अटेम्प्ट जो करना है, ये तो ऑप्शन के साथ है इसके लिए। फिर इसके बाद जो है लॉन्ग आंसर 4 मार्क्स के रहेंगे, तो यहाँ पर जो है आपको 20 मार्क्स ही हो गए, 98 मार्क्स हो गया इस प्रकार। फिर ये तो यहाँ पर देख लो, ये तो जो है यहाँ पर ये तो यूनिट टेस्ट का, तो अभी यूनिट टेस्ट तो खत्म हो गया। तो इस प्रकार मैंने बायोलॉजी का पेपर का पैटर्न पैटर्न बता दिया, पेपर पैटर्न बता दिया। अब पास होना है आपको, टेंशन नहीं लेना।